प्याज की फसल बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, जब भी स्प्रे करें तापमान कम रहना चाहिए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो शाम को 4 से 5 बजे बाद ही स्प्रे करना चाहिए, ताकि जो अपन दवा स्प्रे कर रहे हैं उसके वजह से अपने फसल के पत्तों पे बर्निंग नहीं आए और जो दवा डाल रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, अभी का जो समय है वो प्याज की फसल अभी छोटी है तो इस पे बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा रहता है, तो अभी किसान भाइयों को प्याज की फसल में ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। क्यों कि अभी जो मौसम परिवर्तन भी होगा तो उसकी वजह से भी फसल में अनेक प्रकार के रोग आते हैं, तो अगर अपन प्रिवेंटिव मतलब रोग आने से पहले अगर उपचार कर लेंगे तो हमारी फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेत और किसान में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नए वीडियो साझा करें तो आप तक पहुंच सके। किसान साथियों, आज जो फसल के बारे में बात करेंगे वो है प्याज। तो किसान साथियों, हमारी फसल लगभग लगभग सभी किसान भाइयों के फसल रोपाई हो चुकी है खेतों में, और कहीं ना कहीं महीने भर की फसल हो चुकी है। सभी किसान भाइयों ने मच्छर की रोकथाम के लिए और जो पत्ती सूखती है ऊपर से उसके लिए फर्स्ट स्प्रे जो होता है वो लगभग लगभग सभी ने कर भी दिया है। आज अपन बात करेंगे सेकंड स्प्रे के बारे में। सेकंड स्प्रे क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अपन वीडियो में आगे बात करेंगे, ताकि हमारी प्याज की फसल अधिक से अधिक उत्पादन दे सके और अगर अपन इसको रोकें तो लंबे समय तक स्टोर कर सकें। तो किसान साथियों, प्याज की फसल में सबसे अधिक अगर नुकसान करने वाला रोग है तो वह है जलेबी रोग। तो जलेबी रोग की रोकथाम करने के लिए अपने को जो उपचार करना होता है वो रोग आने से पहले करना होता है। अगर एक बार जलेबी रोग आ गया खेत में तो भी उसको अपने को रोकथाम करना बहुत मुश्किल होता है, उसको पौधे को अपन सही करने में यूँ मान लीजिए आपकी नाकाम रहते हैं। तो अगर अपन बात करें कि जलेबी रोग की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो जलेबी रोग की रोकथाम के लिए दवाई के बारे में अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले अपन ये जान लें कि जलेबी रोग होता क्या है। तो जलेबी रोग क्या होता है कि जैसे अभी बरसात ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से पौधे में क्या होता है, इस तरह से नीचे से पौधे मुड़ मुड़ के और फंगस की वजह से घूम घूम जाते हैं, ऐसे जलेबी की तरह होने लग जाता है पौधा। तो इसको फिर जलेबी रोग हो जाता है, तो फिर इसकी रोकथाम करने के लिए अपने को कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो किसान साथियों, जलेबी रोग की जो रोकथाम करनी होती है फसल में, तो उसके लिए अगर कंपनी वाइज बात करें अपन, तो सिजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है एम स्टार टॉप। इसका उपयोग रोग आने से पहले अगर अपन कर लेंगे तो 100% कहीं ना कहीं उसमें अपनी फसल पूरी सुरक्षित हो जाएगी और जलेबी रोग भी नहीं आएगा, और जो पौधे इस तरह से ऊपर से सूखते हुए नीचे जाते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो किसान साथियों, अगर बात करें इसके टेक्निकल की, तो एम स्टार टॉप सिजेंटा कंपनी का आता है और इसके अंदर टेक्निकल आता है एजुक्सोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4%। ये हमारा फंगिसाइड हो गया, और इसके साथ में अपने को एक मच्छर के लिए दवाई ऐड करनी होती है, तो उसके लिए लेमड़ा साइलोथ्रिन अपने को लेना चाहिए। अगर वो सिजेंटा कंपनी का अगर लेना चाह रहे हैं अपन, तो अलिका के नाम से उसका भी प्रोडक्ट सिजेंटा कंपनी का आता है, वो लेना चाहिए। वो लेकर के अपने को खेतों में स्प्रे कर लेना चाहिए। बात करते हैं किसान साथियों इसके डोज की, तो ये 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को स्प्रे करना होता है, और अगर बात करें प्रति पंप के हिसाब से तो 20 ml प्रति पंप जो अपना रहता है स्प्रेयर पंप, नेपसैक स्प्रेयर जो अपना बैटरी स्प्रेयर छोटा वाला पंप रहता है उसके हिसाब से 20 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका डोज रहता है। और इसके साथ में मच्छर जो रस चूसक कीट होते हैं हमारी फसल में, उसकी रोकथाम के लिए अलिका जो आता है वो 10 ml प्रति पंप के हिसाब से अपने को मिलाना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पंप में दवाई डालने का तरीका होता है वो FIR तकनीक से डालना चाहिए। पहले फंगिसाइड डालना चाहिए, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए, और उसके बाद में रेगुलेटर जो हाई पावर अपन बोलते हैं वो डालना चाहिए। सबसे लास्ट में जाके टंकी भरने के बाद में अपने को जो सिलिकॉन बेस चिपको आता है वो चिपको मिलाना चाहिए। जो अनुशंसित मात्रा है उससे ज़्यादा दवाई कभी भी ना डालें,
उससे आपके पैसे की बर्बादी भी होगी और आपकी फसल भी ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो जो मात्रा है वो आप वही डालिए, उससे ज़्यादा ना डालें। तो किसान साथियों, ये हो गया था अपना जो जलेबी रोग मान लो या फिर सेकंड स्प्रे वाली दवाई मान लो, इसके बारे में अपन ने आज जो बात करी है उसका उपयोग करके अपनी फसल को अपन सुरक्षित कर सकते हैं और जलेबी रोग जैसी घातक बीमारियों से हमारी फसल को बचा सकते हैं। और प्याज की फसल के बारे में स्टेप बाय स्टेप आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और इसी जानकारी के साथ धन्यवाद। राम राम साहब।